बस वो मैंने सब आपको बता दिए कि हालात इस तरह जा रहे हैं कि मिनॉरिटी वहाँ सिक्योर, मिनॉरिटी नहीं मुसलमान सिक्योर नहीं है, और क्या है वहाँ बहुत हालात खराब जा रहे हैं। और क्या कहेंगे वहाँ पे जो मतलब जो हिंदू भी हैं सिख भी हैं वो वहाँ पे किस तरह के रह रहे हैं, किस तरह का बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी उजागर कर के रह रहे हैं। जिन बंदों को ज़हनी सुकून ना हो तो वो नहीं कर सकते, अपने आप को सिक्योर नहीं समझ सकते। तो क्या कहेंगे आप भारत सरकार को कि वहाँ पे जो रह रहे हैं उनके लिए क्या? हाँ, उनके लिए भी कम अज़ कम कोई पैकेज का ऐलान करें कि वो लोग भी पाकिस्तान से आएँ और यहाँ बसना शुरू हो जाएँ। पहले से अकली जो हमारे सिख और हिंदू फैमिली आई हुई हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है। इसी तरह हम चाहते हैं कि और इंडियन मोदी साहब जो हैं वो उनके लिए कुछ करें और कुछ हो जाए। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ जो जितने और कितने बच गए हैं वहाँ पे, किस तरह टॉर्चर हो रहे हैं, ज़हनी तौर पर टॉर्चर हो रहे हैं, जिस तरह जुल्म, मैं एक MPA हो के मेरे साथ जो जुल्म हुआ इसी तरह औरों के साथ भी होगा, जो कोई बता नहीं सकता। मैं हकीकत बोलता हूँ और सारी उम्र हकीकत बोली और हकीकत बोलता रहा। जिस तरह से आपने हकीकत बोली, अब दोबारा आप वहाँ जाना चाहेंगे या वहीं पे आप इंडियन गवर्नमेंट से क्या अपील? मैं इंडियन गवर्नमेंट से यही सालम की अपील की है कि मैं यहाँ सालम पर रहना चाहूँ।